वेल हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम छवि। तो मेरे पिछले हॉल में आपने देखा था, स्किन केयर था, मेकअप था, बहुत कुछ था, दो पार्ट्स में था। और पिछले में ज़्यादातर आपने मेकअप देखा जो सामने आप देख रहे हो। आज मैं आपके साथ बहुत सारे लिप शेड्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सारे के सारे शेयर बहुत ही बहुत 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 प्यारे हैं, और उससे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। तो आपको ये ब्लॉग ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो इसलिए ब्लॉग निकल रहा है मुंह से। सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, मैं बहुत बहुत श्योर हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ऐसी वीडियोज़ का मज़ा ले पाएँ। और आप मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको लिप शेड्स दिखाती हूँ जो मेरे बहुत 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 फेवरेट हैं, जो आपको पता चल ही जाएगा अभी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये डार्लिंग इजाबेला के लिक्विड लिपस्टिक। ये मुझे बहुत पसंद थे, और फर्स्ट मैंने ये दो शेड्स लिए थे, आप देख रहे हो। ये है शेड नंबर 12, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट शेड है। ये ब्राउनिश, रेडिश, मोविश, मतलब क्या बोलूँ मैं इस शेड के बारे में। बहुत सारे मिक्स करके इस शेड को बनाया गया होगा, और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है आपके लिप्स के ऊपर जब भी आप इसको अप्लाई करते हो। अगर आप डस्की स्किन टोन के भी हो तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, इसको ट्राई ज़रूर करना। फॉर्मूला इन लिपस्टिक्स का बहुत अच्छा है, ड्राई आउट बिल्कुल नहीं करते हैं। आप लिप बाम ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप ड्राई स्किन के हैं। अगर आप ऑयली स्किन के हैं तो आपको इन्हें डायरेक्टली अप्लाई करने में भी मुश्किल नहीं होगी। ये काफ़ी देर तक आपके स्किन के ऊपर, आपके लिप्स के ऊपर टिके रहते हैं। दिस इज शेड नंबर 6, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट शेड। एक्चुअली मेरे बहुत फेवरेट है ये सारे शेड्स, मैं आपको किसी एक को मैं चूज नहीं कर सकती। मेरे पास बहुत मतलब कलेक्शन अभी है इसका। फर्स्ट मैंने सिर्फ दो लिए थे, नेक्स्ट आपको सरप्राइज़ देखने को मिल ही जाएगा आगे वीडियो में। तो आप ये शेड देख सकते हैं, बहुत प्रिटी लगता है। अगर आप फेयर हो तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा, अगर आप डस्की स्किन टोन के हो तो भी ये आपके ऊपर बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो इसको ट्राई ज़रूर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे अच्छी बात मुझे इनकी यही लगती है कि इनका फॉर्मूला बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छे से टिकती हैं ये आपके लिप्स के ऊपर, स्टे करती हैं, प्लस ड्राई आउट नहीं करती हैं। मेरी स्किन बहुत ड्राई है, बट फिर भी मैं बहुत कम्फर्टेबल हूँ इन लिपस्टिक से, और ये बहुत फेवरेट वाली है। तो गाइज, आप जानते हो कि वीडियो ख़त्म करते ही मैंने सारे के सारे दो शेड्स थे वो ऑर्डर कर दिए थे, और इसीलिए मैं इसमें से ऐड कर पाई हूँ, क्योंकि जल्दी ही आ गए थे। और ये सारे के सारे शेड्स हैं जिनके स्वाचेस मैं अभी आपको देने वाली हूँ। तो चलिए स्वाचेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शेड नंबर 9 जो है उसे कर रही हूँ स्वाच। ये बहुत अच्छा न्यूड ब्राउन शेड है, डेली वेयर में मैंने बहुत यूज़ कर लिया है इसको। जब तक ये वीडियो आएगा तो मैं इसको 10-15 बार यूज़ कर चुकी होंगी। तो यस, ये मेरा फेवरेट वाला शेड है इसमें से। ऑलमोस्ट मुझे सारे शेड इसमें बहुत अच्छे लगते हैं जो भी मैंने लिए हैं, बट दिस वन इज़ दी मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन। तो ये है शेड नंबर 9, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारा लगा। नेक्स्ट जो है वो है शेड नंबर 24, दिस इज़ मैजेंटा, एंड ये है बहुत ब्यूटीफुल सा पिंकिश मैजेंटा शेड है। किसी पर भी ये सूट कर जाएगा, इतना ब्यूटीफुल लगता है, और आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये था शेड नंबर 24। सो नेक्स्ट जो मैं स्वॉच कर रही हूँ ये एक रेड शेड है, नंबर आपने देख लिया होगा। ये एक ऑरेंज रेडिश शेड है जो ब्राइडल्स के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप न्यूली वेड हो तो ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगने वाला है, लेकिन अगर आप डस्की स्किन टोन के हो तो शायद ये आपके ऊपर अच्छा ना लगे। नेक्स्ट है शेड नंबर 4, और ये मेरा फेवरेट रेड शेड है इस रेंज में। रेडिश 3-4 रेड शेड आते हैं इसमें, इनमें से ये वाला मेरा बहुत फेवरेट वाला है। ये डस्की स्किन टोन पर भी बहुत अच्छे से जाएगा और बहुत प्रिटी लगेगा। मैंने बहुत हल्के हाथों से स्वाइप किए हैं ये वाले सारे शेड, और आप चिंता ना करें, इनके लिप्स स्वॉच इसमें मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए, बिकॉज आई नो बहुत से कॉमेंट्स आने वाले हैं इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है ये शेड नंबर 12, आई थिंक यस, ये वाइन शेड जो ऑलरेडी आप देख चुके हो। ये भी बहुत प्रिटी है, आप अगर इसको बिल्डअप करते हो तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। डस्की हो, फेयर हो, बहुत अच्छा लगेगा ये। मैं आपको फिर से इसे बिल्डअप करके दिखाऊँगी, तो ये बहुत प्रिटी लगता है। ये वन ऑफ दिस इज माय सन, आई एम सो सॉरी। सो नेक्स्ट ये है शेड नंबर 8, और ये भी बहुत अच्छा सा पिंक मैजेंटा, लाइट मैजेंटा शेड है। ये बहुत प्रिटी लगता है, फेयर हो, डस्की हो, किसी के ऊपर भी बहुत अच्छे से जाएगा। ये था शेड नंबर 8, पिंक लेविश पिंक शेड। ये भी मैं बहुत अप्लाई करती हूँ डेली वेयर में। नेक्स्ट इज़ दिस शेड नंबर 7,
रेड में भी इसमें काफ़ी रेंज है, अगर आप चाहते हो अच्छी कोई रेंज रेड में तो आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। हाउ प्रिटी इज़ दिस, ओ माय गॉड यार, एक लाइक तो बनता ना इस शेड के लिए, एक वीडियो को लाइक तो दे दीजिए ना प्लीज़। सो अगर आपको इनमें तो देखा, नमन को भी ये शेड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। सो यस, वो मेरे पास ही बैठा हुआ है सब, जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो वो मेरे पास ही होता है। तो दीज आर द ऑल शेड्स इन दिस रेंज, अगर आपको कोई भी पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इनके लिप्स स्वॉचेस अगर आप चाहते हो जल्दी तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी इससे पहले। तो दिस इज़ ऑल द लिपस्टिक्स। नेक्स्ट जो मेरे पास शेड्स हैं वो ये NY के शेड्स हैं, NY की लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, जिनके शेड्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो फर्स्ट इज दिस एंड दिस इज शेड नंबर 6, लिट एज टाइम्स स्क्वेयर बॉल। ये काफ़ी शेड फेमस है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में बात की, काफ़ी अच्छा शेड है, तो इसलिए भी मैंने इसको लिया था। तो ये है शेड नंबर 6, इसका स्वाच मैं आपको दिखा देती हूँ। डार्क ब्राउनी मरूनिश शेड है ये, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं, लेकिन थोड़ी सी ड्राइंग है आपके लिप्स के ऊपर, तो आपको इसको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके ही अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेंगे आपके लिप्स के ऊपर अगर आपकी ड्राई स्किन है। ये मेरा फेवरेट शेड है इस रेंज में। इसके बाद मेरे पास है शेड नंबर 46, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, आपको पिक करने में बहुत मुश्किल आती है, इसलिए रिव्यूज़ देखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सो दिस इज़ शेड नंबर 46, कैरिज फैशन रोड किल। तो ये है शेड नंबर 46 और इसका स्वाच भी मैं आपको दे दूंगी। ये कुछ पिंकिश मजंटा शेड है, पर्पलिश पिंकिश शेड है, इस तरह से काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। फिर से कहूँगी बहुत थोड़ी ड्राइंग लिपस्टिक्स हैं, अगर आप ड्राई स्किन के हो तो प्लीज़ इसको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके ही अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, सेट होने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, बिल्कुल स्मच प्रूफ हैं। और नेक्स्ट है ये शेड नंबर 41 और ये है कपकेक, दिस इज मैग्नोलास कपकेक, ये शेड है, ये भी रेडिश काइंड ऑफ शेड है, लेकिन ये थोड़ा रस्टी रेड शेड है, वो ब्राउनिश रेड शेड था। अभी स्वाच कर लेते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल शेड है, रस्टी रेड कलर है, रस्टिक रेड शेड्स। सो ये है इसका स्वाच, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आपके लिप्स के ऊपर। NY में शेड रेंज बहुत अच्छी है, अगर ये थोड़ा सा फॉर्मूला इसको क्रीमी रखते तो ये बहुत अच्छी लगती, थोड़ी सी ड्राइंग लगती है मेरे को, लेकिन फिर भी कलर्स इतने अच्छे हैं कि आप अप्लाई करे बिना रह नहीं सकते। तो ये है लिक्विड लिपस्टिक्स। इसके बाद मैं आपसे 2 और लिपस्टिक शेयर करूँगी जो बुलेट लिपस्टिक्स हैं मेरे पास। नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है ये बुलेट लिपस्टिक्स। तो ये है फर्स्ट वेट एंड वाइल्ड की, ये मेरा काफ़ी अच्छा शेड है, ये है फेरी शुगर प्लम फेरी, यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। इसका MRP है 295 रुपीज़, पर ऑफ पे आपको ये 200 के आसपास जो है वो मिल जाता है। इनके स्वाचेस आपको मैं दे देती हूँ। इसका सिर्फ एक ही मुझे ड्रॉबैक लगता है कि इसका जो बुलेट है ना वो थोड़ा सा बाहर रहता है, अब जितना भी केयरफुली इसको ओपन करोगे थोड़ा सा आपके कैप के ऊपर आएगा ही आएगा, और ये थोड़ा सा जब इतना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका स्वाच मैं आपको दे देती हूँ, इस तरह से। यस, ये है शेड नंबर शुगर प्लम फेरी। अगर आप डीप स्किन टोन के हो तो ये बहुत अच्छा लगेगा, ये बेरी काइंड ऑफ शेड है, प्लम शेड। ये देखिए प्लमिश शेड्स हैं, लेकिन कितनी अलग अलग शेड्स हैं। ये जो शेड्स हैं ये डार्क स्किन टोन पे भी बहुत अच्छी लगती हैं, ये वाली रेड शेड भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट जो मेरे पास लास्ट शेड है वो है ये डार्लिंग इजाबेला का, ये बुलेट लिपस्टिक है ये, और ये है शेड नंबर 3 बोल्ड ब्राउन रॉयल्टी। तो ये शेड है, ये मैंने अपने मामा के लिए लिया था, ये भी शेड मैंने अपनी मामा के लिए लिया था क्योंकि उनको ऐसे शेड अच्छे लगते हैं। सो ये है ब्राउन शेड, मैं उनके लिए कॉफ़ी चॉकलेट शेड ढूंढती रहती हूँ, ये भी परफेक्ट शेड नहीं है उनके लिए, उनको पसंद इतना नहीं आया, लेकिन मैं ट्राई करूँगी और अच्छे से लेने के लिए कॉफ़ी चॉकलेट। अगर आपको पता है कोई ऐसी कॉफ़ी चॉकलेटी टाइप ऑफ कोई लिपस्टिक हो तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर लूँगी उनके लिए। तो इसे थोड़ा सा डार्क हो अगर होगा तो मुझे ज़रूर 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 बताइएगा,
तो इसको भी मैं स्वॉच करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी कॉफ़ी टाइप ऑफ शेड है ये। ब्राउन में भी काफ़ी रेंज आती है, आप लिटरली डिफाइन करना मुश्किल होता है कौन सा शेड कौन सा है। तो इसे हल्का सा डार्क शेड मुझे चाहिए था, बट ये भी बहुत अच्छा फेयर के लिए, फेयर स्किन टोन पर ये काफ़ी अच्छा लगेगा। थोड़े से डस्की के ऊपर ये हल्का सा उभरा हुआ दिखता है, लगा हुआ जैसे कुछ लगा हुआ ऐसा है। मुझे थोड़ा सा कॉफ़ी चाहिए, ये काफ़ी ऑरेंजी लग रहा है ये वाला, लेकिन ये रस्टिक शेड है। ऑल दो ये काफ़ी क्लियरली देख पा रहे हो आप, जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं। ड्राई होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसे दिखते हैं। सो ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसी दिखती हैं। इसका एक फोटोग्राफ भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी नेचुरल लाइट में और फ्लैश के साथ। ये आप फ्लैश के साथ देख रहे हो, लेकिन फोटोग्राफ आप क्लियरली मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसकी। तो अगर आप इनमें से कोई शेड लेना चाहते हो तो प्लीज़ ले सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा। और इनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, ये था मेरा हॉल। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसी वीडियोज़ का मज़ा जो है वो ले पाएँ। और इन फ्यूचर अगर आप कोई भी मुझे क्वेश्चन पूछना चाहते तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, आप कौन सा खरीदना चाहती हैं, या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। आई वुड लव टू रिप्लाई यू। मैं सब कमेंट्स के जवाब देना बहुत ही पसंद करती हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगली वीडियो बनाने के आइडियाज़ भी मुझे आपके कमेंट्स से ही आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, लव यू ऑल।